नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं स्टडी पार्ट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ बातें समझानी थी। मुझे लगा थोड़ा बेहतर तरीके से आपको समझाया जाना चाहिए, जिससे कि आप लोग का जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। और बहुत सारी गुड न्यूज भी है, जैसे कि हम लोगों ने इस बार अपना जो स्टूडियो है वो थोड़ा एक्सटेंड किया है, स्मार्ट बोर्ड बढ़े हैं, क्लासेस हम लोग बढ़ा रहे हैं, स्कूल से लेके हम लोग एकेडमिक में भी जा रहे हैं। साथ में आपके जो सीयूटी प्रिपरेशन के साथ साथ पीएचडी की प्रिपरेशन जो है वो भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग जो पीजी के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों में भी बहुत सारे लोगों को अभी हम लोग जो हायरिंग निकालेंगे तो ऑप्शन मिलेगा, ऑफर मिलेगा कि आप लोग भी पाठशाला पे कुछ अपना टीचिंग वगैरह करके अर्न वाइल लर्न वाला कॉन्सेप्ट यूटिलाइज कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेसिकली बीएचयू पीजी क्लासेस आफ्टर एडमिशन कब तक स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ये जानने से पहले आप लोगों के पास एक नोटिस ऑलरेडी वायरल है, ये वाला आर्ट्स फैकल्टी का है, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय एकेडमिक कैलेंडर फॉर द सेशन 2024-25 के लिए, यानी आप लोग के लिए नोटिस है। लेकिन इस नोटिस को मैं बहुत पहले भी, इसका जो एक और छोटा रूप था कि क्लासेज हमारी 9 जुलाई से स्टार्ट हो गई है, याद है जो नोटिस पे मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था, तो उसी के ही बेसिस पे है। देखो, हम जब भी बात करते हैं बीएचयू में नए एडमिशन का, तो बीएचयू का एकेडमिक कैलेंडर अपने हिसाब से चलता है, लेकिन एडमिशन अपने हिसाब से चलता है। जब भी हर साल पहला सेशन आता है तो वो हमेशा लेट हो जाता है, उसके बाद एकेडमिक कैलेंडर फॉलो हो जाएगा, लेकिन आपके लिए एज इट इज फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं हर एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम आ रही है काउंसलिंग में, डिस्क्रिप्शन में काउंसलिंग वाला नंबर है। बहुत सारे बच्चे अभी से मैसेज कर रहे हैं कि सर हॉस्टल कैसे मिलेगा वगैरह वगैरह, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है हॉस्टल वाला, बस उसे ज्वाइन कर लो। आपको लगभग 3 दिनों में एक अलग से नंबर जाएगा। जैसे अभी काउंसलिंग वाला जो नंबर है ना, ये बस काउंसलिंग के लिए बनाया गया है, हॉस्टल वाला एक अलग नंबर होगा। लेकिन जो बच्चे काउंसलिंग वाला पे ऑलरेडी ज्वाइन हो रहे हैं किसी कोर्स की इंक्वायरी के लिए, लाइक कि हमें काउंसलिंग में नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कि अभी आप लोग यहाँ एडमिशन ले लोगे तो अपने सेमेस्टर पेपर के लिए आप बहुत परेशान हो जाओगे कि सर बताइए सेमेस्टर पेपर कहाँ मिलेगा, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसी प्लेटफॉर्म पे, उसका भी बता दूंगा कि कहाँ पे कैसे लिंक मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है ना कि ये एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है, अगर आप यहाँ पे ज्वाइन हो तो आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक को प्रेस जरूर करें, कोई इशू है तो आप लोग काउंसलिंग वाला पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो पेड सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इस नोटिस को अभी मैं नहीं समझा रहा हूं क्योंकि ये नोटिस अभी आपके लिए है भी नहीं। इसमें बेसिकली ये डिस्कस किया गया है कि आपकी क्लासेस कितने दिनों की होंगी, ओरिएंटेशन क्लास कैसे होगा, हॉलीडेज कैसे होंगे, ये तमाम चीजें। जैसे कि एक पूरी यूनिवर्सिटी का कैलेंडर आता है, तो ये आर्ट्स फैकल्टी ने उसी पूरे यूनिवर्सिटी के कैलेंडर को अपने लिए स्पेशली बना दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है कि हमारा कैलेंडर इस तरीके से फॉलो अप होगा। ये कैलेंडर आपके लिए है यूजफुल, लेकिन अभी नहीं है। तो अभी क्या है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्लीज ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे बच्चों को कहीं ना कहीं समस्याओं से बाहर निकालेगा। कुछ बच्चे का ट्रेन बुकिंग की प्रॉब्लम है, सर अरे नोटिस आ गया, हमें बहुत जल्दी से बीएचयू आना है, हम कहाँ रहेंगे, हमारी ट्रेन की बुकिंग नहीं मिल रही है, हम मतलब ये तमाम चीजें उनको परेशान कर रही है। कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर परेशान हो रहे हैं कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा तो हम समय से नहीं पहुंच पाएंगे तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, तमाम चीजें। तो ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखो कि अभी काउंसलिंग क्या चल रहा है। अभी काउंसलिंग चल रहा है रेगुलर राउंड, ठीक है, और भी कौन से राउंड में पहुंच चुका है, तो हम लोग पहुंच चुके हैं 5th राउंड में। ठीक है, हम लोग 5th राउंड में पहुंच चुके हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएगा मॉपअप राउंड। ठीक है, इसके बाद आएगा मॉपअप राउंड, जो कि कितने तक चलेगा, लगभग 2 राउंड तक चलेगा। ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि 2 राउंड तक चलेगा, जो कि अभी 2 दिनों में इसका शेड्यूल जारी होगा मॉपअप राउंड का। वो पूरा सीट एस्टिमेट तब करेंगे जब 5th राउंड कंप्लीट होगा, तो अभी इसमें भी कम से कम 5 डेज लगने वाला है। ठीक है, और उसके बाद एडमिशन लेटर आना है। जब आप लोग पूरे एडमिशन को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक पोर्टल पे एडमिशन लेटर आएगा, लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन है जिसको मैं दूर करना चाहूंगा। ये एडमिशन लेटर का नाम कॉलिंग लेटर भी होता है, यही एडमिशन लेटर फाइनली आप लेके अपने डिपार्टमेंट में जाते हो कि हाँ मैं इस कोर्स के लिए सेलेक्ट किया गया हूँ बीएचयू में। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि ये एडमिशन लेटर न्यू सीएससी मेंबर्स के थ्रू किस तरीके से आपको दिया जाएगा, इसका कोई भी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, या तो ये आपकी फाइनल फी लेटर, यानी जो आपका फी लेटर है उसको आपका फाइनल एडमिशन लेटर ही बोल देंगे, या तो फिर वो फाइनली आपके पोर्टल पे एडमिशन लेटर रिलीज करेंगे। बट मैं जहां तक श्योर हूं कि उन्हें एडमिशन लेटर ये रिलीज करना पड़ेगा, कारण ये है उस एडमिशन लेटर में फाइनली एक बार आता है, बार कोड आता है, उसमें पूरी डिटेलिंग दी गई होती है। तो उसी एडमिशन लेटर से ना आपके डिपार्टमेंट वाले आपको आईडी कार्ड रिलीज करते हैं, उसी एडमिशन लेटर से आपको बाकी जो भी बीएचयू फैसिलिटी चाहिए होता है, लाइक लाइब्रेरी कार्ड चाहिए, स्विमिंग के लिए चाहिए,
जिम की मतलब जितने भी यहाँ के फैसिलिटीज आपको फ्री में उठाना है, तो हेल्थ कार्ड बनवाना है, तो उन सभी के लिए एडमिशन लेटर की जरूरत पड़ता है। तो मे भी मेरे को जहां तक लग रहा है कि ये हर बार बच्चों को क्या होता था ना, जैसे आप पेमेंट करते थे इमीडिएटली आपका डाउनलोड हो जाता था एडमिशन लेटर, लेकिन इस बार ये लोग शायद पूरे एडमिशन कंप्लीट करने के बाद एक ही बार में एडमिशन लेटर आपके पोर्टल पर जनरेट करेंगे कि फाइनली आप डाउनलोड कर लो और ये पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ इस डेट को आप फाइनली बीएचयू में जाके अपना ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो। ठीक है, तो अब ध्यान दो कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बेसिकली आपको अपने डिपार्टमेंट में जाके वेरिफिकेशन कराना होता है। अच्छी बात ये कि ये ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके क्लासेस के साथ ही होता है, ऐसा नहीं है कि अब आप एडमिशन कंप्लीट कर लिए अब आपको एक दिन आना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, फिर आप जाके सो जाओगे, फिर आप उठोगे और फिर आप आके क्लासेस करोगे, ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि आप अब इस एंड पे आके खड़े हो कि अगर आप आने वाले एक हफ्तों में 10 दिनों में बीएचयू में अगर शिफ्ट हो जाते हो, यानी बीएचयू के आजू बाजू में हॉस्टल लेके शिफ्ट हो जाते हो, रूम लेके शिफ्ट हो जाते हो, तो कोई बुराई नहीं है। अब आप स्वागत है आपका बीएचयू में, आपका स्वागत है इस काशी के नगरी में, लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। मेंटली आप प्रिपेयर रहो कि 10 अगस्त तक कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएगा, उससे पहले आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। जब ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये डिपार्टमेंट में बुलाया जाएगा आपको, तो ध्यान देना कि ये डिपार्टमेंट जो है कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई डेट दी गई और आप अगर भूत बन के उड़ते हुए नहीं पहुंचे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, तो पैनिक सिचुएशन नहीं है वो। आप बेसिकली बीएचयू में एडमिशन ले चुके हो, एडमिशन लेटर आपको मिल चुका है, तो ये ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है कि फाइनली आप उन्हें देते हो कि हाँ हमारा ये देखो डोजियर है, ये हमारा रैगिंग एंटी रैगिंग फॉर्म है, ये हमारा माइग्रेशन है, ये हमारा टीसी है, तो ये तमाम चीजें एक ऑफिशियल होता है, लीगल प्रोसेस को फॉलो करना होता है, लेकिन बहुत पैनिक सिचुएशन नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो डेट दी जाती है उस डेट के अंदर आपको अपना वेरिफिकेशन कराना होता है, लेकिन कोई भी जो डिपार्टमेंट है वो कोई ऐसा डेट नहीं देगा कि 24 घंटे में आके जमा करो नहीं तो फिर एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आप पूरे प्रोसीजर को फॉलो कर चुके हो, सबको पता है कि हाँ भाई थोड़ा समय दिया जाना चाहिए, देश के दूसरे छोर से भी कोई आ सकता है, कोई केरला से आ सकता है, कोई बंगाल से आ सकता है, कोई राजस्थान से आ सकता है, तो कम से कम आदमी को 3-4 दिन तो मिलना ही चाहिए। तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो, लेकिन अभी अगर आप चाहोगे कि हाँ नीर सर आपको कोई एक डेट दें, तो वो डेट यही है इस महीने तक, इस महीने तक आप अपने काउंसलिंग प्रोसीजर में ही रहने वाले हो। आने वाले अगस्त में उम्मीद कर सकते हो कि 10 अगस्त के पहले कुछ न कुछ आपको अपडेट मिल जाएगा। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है, ध्यान देना। तो कुछ डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव होते हैं, जैसे किसी के यहाँ बहुत कम सीटें हैं, समझ रहे हो, लाइक एग्रीकल्चर में ले लो, तो कहीं कहीं पे बच्चे बहुत कम है, तो वो क्या करेंगे, चलो भाई हमारे यहाँ 20-30 बच्चे बुला लो कर लेते हैं। कहीं कहीं बच्चे बहुत ज्यादा हैं तो उन्हें लंबा समय भी लगेगा, तो अब ये ना सेंट्रलाइज नहीं रहेगा, अब ये पूरा स्पॉट वाइज हो गया, हाँ यहाँ 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 ऐसे होने वाला है। तो इसीलिए ना किसी एक डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन देख के आप एकदम पैनिक मत हो जाओ, नहीं तो परेशान मत हो जाओ, नहीं ऐसा नहीं होना। बेसिकली ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूं कि आप अवेयर हो, आप वीडियो जरूर देखो, जब तक मैं खुद ना बोलू मेरी वीडियो मत देखो तब तक आप मेरे वीडियो देखो। जैसे कि अब एक लड़की का आज केस आया, उसका एडमिशन सेकेंड राउंड में हो गया था, फिर वो अपग्रेड में डाल दी, वो भी किसी चैनल के थ्रू बात करके उन्होंने डाला, शायद किसी ने बोल दिया किसी चैनल ने कि आपका पेमेंट हो गया तो आपका एडमिशन कंफर्म है, अब आपका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने अपग्रेड में डाला। अपग्रेड में डालने के बाद प्रोसेस ये है कि आपको फिर से लोकेशन एक्सेप्ट करना पड़ता है, आपको फिर से पेमेंट के लिए वहां पे क्लिक करना होता है, भले वो ट्रांसफर हो जाए, लेकिन आप नहीं करोगे तो एडमिशन से बाहर हो जाओगे, आज वो बाहर हो गई। अब उन्होंने काउंसलिंग वाला को कॉन्टेक्ट किया, मैं उनका पूरा प्रोसेस को समझा, जो भी उसका रास्ता था मैंने समझा दिया। कमी ये है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि सर हाँ जब मुझे पता चला कि हाँ मेरा एडमिशन हो गया है तो मैं यूट्यूब के वीडियोस देखना छोड़ दी थी, जबकि मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ये चैनल बस आपके काउंसलिंग तक नहीं है, आपकी बस प्रिपरेशन तक नहीं था, हमने तैयारी कराई, हम काउंसलिंग करा रहे हैं, हम आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। और जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं आपके सब्सक्राइब चैनल में, वैसे अगर आपके पास एक एजुकेशनल चैनल है जो आपको बेसिकली गाइड करता है आपके करियर के लिए, कहीं ना कहीं आपके लिए पॉइंट समझाता है, आपकी पढ़ाई के साथ साथ कमाने का रास्ता बताता है, तो फिर मुझे लगता है कि आपको सब्सक्राइब करके रखना चाहिए। तो प्लीज, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंसेज आपको दूंगा, बहुत सारे ऐसे रास्ते बताऊंगा, तो ऐसे में प्लीज सब्सक्राइब करके ही रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके ही रखना है, भाई फ्री में सब चीजें हो रही है तो आप इसका फायदा उठाओ, आज उनका लॉस हुआ कि नहीं हुआ,
तो ऐसे में प्लीज आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि हर एक वीडियोस को देखो, ठीक है, और मेरे कमिंग वीडियोस का इंतजार करो, बेसिकली कमिंग वीडियोस का इंतजार करो। कोई प्रॉब्लम है तो काउंसलिंग वाला पे कॉन्टेक्ट करो, जहां पे बेसिकली आपको 30 मिनट्स में कॉल बैक जाएगा, आप खुद अपनी पूरी प्रॉब्लम बकायदा बात करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि वीडियो दूसरे के फीड में जाए, दूसरों को रिकमेंड करें, यूट्यूब रिकमेंडेशन में जाए। और हाँ, मुस्कुराते रहिए, आप सभी को सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप आने के बाद इस बाबा की नगरी में विश्वनाथ जी दर्शन करें, संकट मोचन दर्शन करें, आप दुर्गा माता के यहाँ जाके दर्शन करें, अन्नपूर्णा माता के यहाँ जाके आप वहां पे प्रसाद ग्रहण करें, फ्री में चलता है वहां पे भंडारा, इडली वगैरह खाओ खूब पेट भर मस्त। तो बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ पे आपको आध्यात्म का वो जीता जागता स्वरूप मिलने वाला है, जो पूरे देश पूरे पृथ्वी पे कहीं नहीं है। यहाँ के लोग बड़े डिसेंट है, ठीक है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, बनारसी होने के नाते मैं चाहूंगा आप आए और इस विश्वविद्यालय और इस शहर का अपना आके अपना सेवा देके अपना पढ़ाई बढ़िया से करके इसको कहां फलीभूत करें, ठीक है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, हर हर महादेव।